गुर्जर समाज के आरक्षण की लपेटे अब भिलवाड़ा तक भी पहुंच गई है। राजस्थान गुर्जर महासभा के बैनर तले आज मुख्यमंत्री उद्यान के पास 3 घंटे तक गुर्जर समाज का धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व मुख्य सचेतक व पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, युवा जिला अध्यक्ष मोहन लाल सराधना व उदय लाल भड़ाना के नेतृत्व में आज दोपहर को धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति व सरकार के मध्य 5 सूत्रीय समझौता होने के बाद भी सरकार इन समझौतों की पालना नहीं कर रही है। पूर्व मंत्री गुर्जर ने साफ साफ कहा है कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा, जिससे होने वाली जानमाल की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ ही आरक्षण मामले में समाज सदैव कर्नल बेसला का ही समर्थन करेगा। नवभारत समाचार भिलवाड़ा राजस्थान से लोकेश तिवारी। मैं कई बार समझौते हुए और हमको MBC में 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया और वो प्रावधान के बाद कुछ कमियां रही, उनको पूरा करने के लिए दोनों के बीच में ये समझौता हुआ सरकार और गुर्जर समाज के बीच, और उसमें 5 सूत्रीय मांगे रखी गई थी और सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम इन मांगों को मान लें। लेकिन समय रहते हुए काफ़ी लंबे टाइम के बाद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी, इसलिए गुर्जरों को मजबूर होकर के वापस आरक्षण का आंदोलन शुरू करना पड़ा, रेल की पटरियों काटनी पड़ी और उधर आंदोलन चल रहा जहाँ पे जाम भी लगाया गया। अब हमने राजस्थान सरकार से बार बार मांग की, भाई आपने जो समझौता किया उस समझौते की पालना करो। और एक सरकार जब समझौता करती तो लोग विश्वास करते हैं कि ये सरकार जो समझौता किया उसको तो लागू करेगी लेकिन समझौते के बाद भी उसको लागू नहीं किया, इसलिए मजबूरन हमारे को मजबूर किया गया कि गुर्जर समाज को आंदोलन के लिए उतरना पड़ा। इसी के तहत जहाँ आंदोलन चल रहा है और गुर्जर समाज की आरक्षण संघर्ष समिति आंदोलन वहाँ चला रही है, हमको भी यह है कि भाई हम भी सहयोग करें, इसलिए आज राजस्थान गुर्जर महासभा के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और हमने आज सांकेतिक धरना रखा है 3 घंटे का और फिर हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद यदि सरकार नहीं मानी तो 2-3 दिन बाद में वापस निर्णय करके और जबरदस्त आंदोलन करेंगे, जिसमें ट्रेन को भी रोकेंगे और नेशनल हाईवे को भी जाम करेंगे। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारे कार्यकर्ता एकता जिंदाबाद, भगवान की अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई जारी, आगे और लड़ाई है। हमने युवाओं को विशेष तौर से आज के लिए ज्ञापन देने और इस धरने में बुलाया है, अगर नहीं मानी सरकार तो, चूंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गुर्जर भीलवाड़ा जिले में रहते हैं, इसलिए अगला आंदोलन बहुत ज़बरदस्त करेंगे, सरकार को मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को। कभी भी समय है, जो आपने समझौता किया 5 सूत्री हमारी मांगे हैं उन मांगों को आप तत्काल माने, यदि आपने नहीं मानी तो फिर इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे जो भीलवाड़ा जिले के जितने भी गुर्जर समाज के संगठन हैं, सब संगठन की हमारी बात हो रखी है, अभी तो संगठन वाइज हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानी तो सारे संगठन गुर्जर सब एक है, कोई अलग नहीं है, सारी पार्टियां संगठन सब एक है, सब एक साथ होकर या तो रोड जाम करेंगे या रेल रोकेंगे। अगर बेसला जी की जो शर्तें उनकी नहीं मानी गई या दमनकारी नीति अपनाई गई और हमारे गुर्जरों पर अत्याचार किया गया तो सारा राजस्थान का गुर्जर, पूरा भीलवाड़ा जिले का गुर्जर सब एक है, सब एक, सारे संगठन एक साथ होकर पूरा रोड जाम करेंगे, रेल रोकने का काम करेंगे। ये तो चेतावनी है गहलोत साहब को कि इस कलेक्टर साहब के माध्यम से जो ज्ञापन दे रहे हैं इस ज्ञापन से सुधर जाए या हमारी मांग को मान लें और गुर्जरों को उग्र आंदोलन करने पर मजबूर ना करें। अगर मजबूर किया गया तो पहले क्या हुआ जो सब आप लोगों को पता है, आगे भी यही होगा। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ दूर दूर बिठा के कम लोगों के साथ सांकेतिक धरना, वो भी कर्मी कंसर्न रखा। अगर आप सब लोगों को बता, वैसे गुर्जर उमड़ जाता है तो रुकता नहीं है, लेकिन हम सरकार के साथ भी हैं, सरकार से मदद भी चाहते हैं। गहलोत साहब से एक निवेदन है कि हमारी मांग को जल्दी से जल्दी स्वीकार कर ली जाए, हमारी जो समस्या है उसका निवारण किया जाए, नहीं तो फिर राजस्थान सरकार के तख्तापलट भी हो सकता है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी, आप हमारे गुर्जरों की मांग बहुत जल्द मांगने और कर्नल साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है उसको करें, नहीं तो पूरे भीलवाड़ा जिले का गुर्जर समाज सब एक है और फिर क्या होगा, फिर वो आप मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ये हमारी मांग है उसको बराबर मांगी जाए,
नहीं होगा तो फिर रोड जाम करेंगे जो खामियाजा। हम नहीं चाहते कि कोई जनता को परेशान करें, जनता से हमारे कोई तकलीफ नहीं, आपत्ति नहीं है। रोड जाम करने से बहुत सारी जनता को नुकसान होता है, हम जनता को नुकसान नहीं करना चाह रहे इसलिए रुके हुए हैं। अगर उनको यही लगता है कि जनता को परेशान करना है तो बहुत जल्दी 3 दिन का समय और 3 दिन में अगर कुछ नहीं किया तो रोड जाम होगा, रेल रुकेगी, उसका सारा श्रेय उसी को जाएगा, मुख्यमंत्री जी को और कलेक्टर साहब को। 3 बजे ज्ञापन देंगे सारे समाज के व्यक्ति, तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और कलेक्टर साहब के गुजरा में दो फाड़ हो गए हैं, कोई दो फाड़ नहीं है, सब एक है हमारे सारे। मैंने क्या बोला अभी आपको, सारे संगठन एक है। जब हमारे तकलीफ आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, वो बाकी वो दूसरी चीज समस्या, वो अलग अलग संगठन है, हर समाज में अलग संगठन रहते हैं, लेकिन जब तकलीफ और समस्या आती है सारे संगठन हम एक है, एक साथ रहेंगे और सब। कर्नल बेसला जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उनके